अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी अहम है क्योंकि आज मैं आपको ट्रू कलर ऐप के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने ट्रू कलर ऐप का नाम तो सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर ऐप है और क्यों ना हो, क्योंकि इसके 9 मिलियन रिव्यूज़ हैं और 100 मिलियन डाउनलोड्स हैं और ये काफ़ी तकरीबन हर बंदे के पास ये ऐप है और हर कोई जानना चाहता है कि ये ऐप उनके लिए ठीक है या नहीं, तो इसके लिए ये वीडियो को देखते हैं। दोस्तों इस ऐप को मैं इंस्टॉल करता हूँ, ये 21 MB समथिंग की है, तो ये इसमें दोस्तों काफ़ी परमिशन ये आपसे मांगेगी, यानी कि आपका प्ले स्टोर में सबसे ज़्यादा परमिशन यही मांगने वाली ऐप है। अभी इंस्टॉल हो गई है, आज मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करती है और ये आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह वर्क करती है। दोस्तों बार दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर ये ऐप अगर आपके पास इंस्टॉल हो तो जो कोई भी आपको कॉल करता है और नंबर सेव भी ना हो तब भी ये आपको उसका बता देती है डेटा का, ये नाम किसके नाम पर है ये नंबर और उसका मुकम्मल डेटा आपको बता देती है। इस ऐप के ज़रिए आप किसी भी अननोन नंबर का डेटा जान सकते हैं कि किसने आपको कॉल किया है। तो आइए दोस्तों इस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये इस तरह इसका इंटरफेस आ जाता है, तो दोस्तों इस ऐप में मैंने अपने तमाम डिटेल पुट कर दिया, जैसे मैंने अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना फ़ोन नंबर पुट कर दिया। उसके बाद मुझे मैसेज आया OTP और वो उसके साथ ऑटोमेटिक कन्फर्म हो गया। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, तमाम परमिशन मांग रहे हैं। ये दोस्तों मेरे तमाम नंबर इसने उठा लिए, अब जो जो नंबर सेव थे इसने उठा लिए। दोस्तों पहले ये होता था कि ये ऐप टोटल फेसबुक से तमाम डेटा उठा लेती थी और जो जिस नंबर पे जिसका नाम होता था वही ये डेटा उठा के फिर आपको बता देती थी कि ये नंबर किस नाम पे है और कैसे ऐप बता देते, लेकिन फेसबुक ने अपने वेबसाइट में काफ़ी तब्दीलियाँ की और उन्होंने काफ़ी प्राइवेसी ऐड कर दी है। अब वो उसको मज़ीद स्ट्रांग कर रहे हैं क्योंकि फेसबुक पर काफ़ी तनकीद हुई है जिसकी वजह से उसे डेटा चोरी हो रहा था। उसके बाद ये ऐप आप फेसबुक से कोई डेटा नहीं उठा सकती और उन्होंने इसके तमाम रास्ते बंद कर दिए। दोस्तों इस ऐप ने आप डेटा निकालने का नया तरीका ढूंढा है, हो सकता है कि ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। आपके काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये ऐप इंस्टॉल की होगी और उसे यूज़ कर रहे होंगे, तो इस तरह से ये आपका तमाम डेटा उनके मोबाइल से निकाल लेती है। दोस्तों इस ऐप में सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि अगर किसी के कॉन्टैक्ट्स में आपके नंबर सेव होंगे तो ये इसका एक फंक्शन है जिसकी वजह से ये आपका तमाम डेटा उठा लेती है और उस फ़ोन में जैसा भी उसने नंबर आपका सेव किया हुआ है ये तमाम डेटा उसका उठा लेगी और आपके तो ये डेटा सेव कर लेगी। तो मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ कि ये इस ऐप के पास आपका डेटा किस तरह है। जैसे मैं कोई नंबर सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं कोई नंबर सर्च करके आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया 3 4 5, देख दोस्तों देखें ये इसने ये ढूंढ निकाला कि ये नंबर अटलनार की हेल्पलाइन है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दोस्तों ने ये इस तरह का नंबर अपने मोबाइल में सेव किया है, यानी कि हर किसी के मोबाइल में ये अटलनार हेल्पलाइन लिखा हुआ है और 3 4 5 उसका है, तो इस वजह से इसको डेटा इसके पास है पड़ा। आप सर्च करेंगे ये बता देगी कि ये इस फिलहाल इसके नाम पर है, या ये उस तरह डेटा उठाती है कि जिस तरह आपके मोबाइल में नंबर होंगे और आपने जो उनका नाम लिखा होगा तो इसी तरह ये डेटा उठा लेती है। और इस तरह अगर आपने ये नंबर सेव कर लिया है, अगर आप अपना भी नंबर सर्च करेंगे तो ये बता देगी कि आपका नंबर इस नाम पे सेव है। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस ऐप से अपना नंबर डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, उसके लिए आपको आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप अपना नंबर ट्रू कलर ऐप से ख़त्म कर सकते हैं।
आपने सबसे पहले इधर जाना है, ऊपर जो सेटिंग का टैब बना हुआ है आपने इधर सेटिंग में जाना है। आपने सेटिंग में जाने के बाद आपने नीचे आना है, जो प्राइवेसी सेंटर है आपने इस पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपने ये डीएक्टिवेट है, डीएक्टिवेट पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह ये आपका नंबर हट जाएगा। ये हो गया दोस्तों, अब हमारा नंबर यहाँ से हट चुका है। दोस्तों आपने एक और काम करना है, तो उससे आपका नंबर मुकम्मल हट जाएगा। हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में जाके आपने जा सर्च करना है ट्रू कॉलर अनलिस्टिंग। आपने यहाँ पर जाना है, ये जो लिंक है आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर आ जाना है। उसका इंटरफेस इस तरह से होगा दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद आपने पहले सबसे पहले अनलिस्ट जो आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे आ गए। सबसे पहले आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे मेरा पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपने नंबर डायल करना है, लेकिन आपने नंबर अपने कंट्री के हिसाब से डायल करना है। जैसे मेरा हमारा पाकिस्तान का है +92, और आपने जो नंबर डायल करना है वो आपने ज़ीरो के बगैर डायल करना है, ज़ीरो के साथ आपने नंबर डायल नहीं करना। तो मैं यहाँ पर अपना नंबर डायल कर लेता हूँ। नंबर डायल करने के बाद आप नीचे आना है और जो एक पैचा बना हुआ है आपने इसे टिक कर देना है। ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ अनलिस्ट फ़ोन नंबर पे इस पर क्लिक करेंगे। वो पूछ रहा है दोबारा कि आप अपना नंबर अनलिस्ट करना चाहते हैं। मैंने अनलिस्ट फ़ोन नंबर पर क्लिक कर दिया है। अब ये हमें बता रहा है कि आपका नंबर 24 घंटे में इस वेबसाइट से सर्वर से हट जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।